फिलहाल जो मेरे पीछे जो एक चीज़ है वो तो आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा इस तरह सामने दे सकते हैं जी, ताजी खोखर का डेरा है। कोई फरिश्ता उनको आजान के कलिमात सिखा रहा था। फरमाया कि सैयदना अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद बिन अब्द रब्बिही। तो अभी चलते हैं यार अपनी वाली छत पे और वहाँ से मैं आपको ज़रा काम दिखाता हूँ और व्यू भी दिखाता हूँ क्योंकि मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं आपका प्यारा भाई उमैर, तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमैर इज़ वर्ल्ड। फिलहाल जो मेरे पीछे जो एक चीज़ है वो तो आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन मैं आपको दिखाऊँगा इस तरह सामने दे सकते हैं जी, ताजी खोखर का डेरा है। अभी हम जो है एक टेस्ट देने गए थे, वो टेस्ट दिया तो वापसी यहीं से हो रही थी। हमने कहा चलो यार ब्लॉग क्यों ना यहीं से स्टार्ट किया जाए। काशी भाई मेरे साथ हैं, तो काशी भाई कैसा लग रहा है उधर? टिल्ला लग रहा है, पहली बात टिल्ला लग रहा है क्योंकि ये बीमार है, ये टिल्ले टिल्ली हैं। सामने जी इस्लामाबाद का रोड है, तो अभी हम चलते हैं जी वापस। मोटरसाइकिल हमने ये खड़ा किया, हमने कहा चलो वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं और फिर चलते हैं अपने रास्ते। चले काशी भाई, चलो चलो चलते हैं यार घर पहुंच के, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। ओके तो गाइस अभी हम आए हैं जी कोल्टा होटल पे, और आज नाश्ता करना है, आलू वाला पराठा आ गया और चाय भी अभी आ रही है, तो अभी बात है तो नाश्ता करते हैं और उसके बाद सीधा निकलते हैं घर की तरफ। वेलकम बैक हो गया तुम सब के अंदर व्लॉग में। तो आज है जी फ्राइडे और जुम्मे के लिए तैयार हो चुके हैं। अभी मैं और तारिक जो है वो बैर से आ रहे हैं, काम ये थे, और ये मेरे आगे आगे जो चल रहे हैं तारिक भाई, और टाइम भी देख सकते हैं पौने एक का हो चुका है क्योंकि आज जुम्मा है। तो फिर अभी चलते हैं मस्जिद में, हैं टाइम होने हो गया तकरीबन, तो अभी अजान भी हो जानी है एक से दो मिनट तक या दस मिनट तक, क्योंकि कारी साहब ये अपनी मर्ज़ी से अजान देते हैं पौने एक या एक बजे देते हैं। तो अभी चलते हैं मस्जिद में और जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। और आज कोई वीडियो वगैरह भी बनानी है तो वो वीडियो भी बनाएँगे, और उसके बाद जो है आज आया जुम्मा, लड़के ज़्यादा होंगे तो क्या पता फुटबॉल का मैच सही हो, ज़बरदस्त हो, देखते हैं क्या सीन होता है। अभी चलते हैं पहले जुमा पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर जो बातें होती हैं जो काम होते हैं आपको बताते हैं। ओके कोई फरिश्ता उनको आजान के कलिमात सिखा रहा था। सुभान अल्लाह। फरमाया कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद बिन अब्द रब्बिही सुबह की नमाज से पहले तशरीफ लेके आए और आप अलैहिस्सलाम को नमाज के बाद फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्वाब आई है कि फरिश्ता मुझे ये कलिमा सिखा रहा है। दूसरे सहाबा इकराम ने भी अर्ज किया या रसूल अल्लाह हमें भी ये ख्वाब आई है। टाइम हो चुका है जी खेलने का, तो भी चलते हैं ग्राउंड में, ठीक है, किट मैंने कर लिए चेंज कर लिए, तो अभी चलते हैं जी ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं और फुटबॉल खेल कर फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि फिर मोबाइल में लेके जाऊंगा, सारे लड़के खेलने वाले होते हैं तो फिर इसे संभालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखते हैं कल परसों अगर कोई मैच लगता है तो तब भी आपको बताते हैं, लेकिन फिलहाल चलते हैं अपनी गेम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओके तो गाइज यार काफ़ी दिनों के बाद आज व्लॉग बना रहा हूँ, तो आप भी टेंशन में हो गई यार, इतने दिन काम पे था मैं, क्यों नहीं व्लॉग आया? तो यार मसला ये था कि घर के कुछ काम जा रहे थे जिसकी वजह से ना व्लॉग मेरे से नहीं बन सका, लेकिन आज फाइनली बाकी काम क्लियर करने के बाद मैंने कहा आज आपको यार आज अपना व्लॉग बनाऊँ तो सही। तो अभी मैं खड़ा हूँ यार ये घर में, तो यहीं पर काम लगाया हुआ है, तो वो भी आपको दिखाते हैं फिलहाल, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक चीज़ें बता दूँ, यहाँ की टंकी है मेरी और पानी पड़ा हुआ है, इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है, पानी है नीचे, और ये बैठक है, उसके बाद ये हाल, ये किचन, और उसके बाद ये दोनों कमरे हैं और पीछे वॉशरूम है, और इस साइड पे जो है वो ओपन जगह हमने छोड़ी हुई है, ठीक है। ब्लॉग लगाए हैं यहाँ पे, पर्दे के लिए ब्लॉग लगाए हैं क्योंकि कल को यहाँ पे हम बनाएंगे, जैसे आप समझ लें फूल वगैरह नहीं है तो फूल वगैरह हल्के हल्के लगा के बंदा चलो बाहर बैठ जाए, इसलिए ये तैयार किया है। तो अभी हम जाना है आपको फ्रंट को, फ्रंट दिखाते हैं जहाँ पर काम चाह रहा है, ये भी काली ये दीवार तैयार हुई है, तो अभी मैं अभी छत पे चलता हूँ, छत से पहले मैं आपको फ्रंट पहले दिखाता हूँ घर का, घर का फ्रंट किस तरह तैयार हो रहा है, तो वो वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप व्यू कर लें पूरे घर का, उसके बाद फिर मैं ना आपसे मिलता हूँ क्योंकि काम लगा हुआ है तो ज़्यादा देर में वीडियो नहीं बना सकता। तो पहले मैं चलता हूँ सामने वाले घर क्योंकि सामने भी तैयार हो रहा है, तो वहाँ से जाके मैं फ्रंट आपको दिखाता हूँ और उसके बाद फिर ऊपर चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर हो चुका है जी छत का जो सबील है, जो फ्रंट है वो तैयार हो चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी ये प्लास्टर होगा, उसके बाद जो काम होगा तो फिर तो ये इसकी अलग एक लुक निकलेगी, लेकिन फिलहाल ये फ्रंट देखें,
यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। सुबह मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी लेकिन उसमें ना मुकम्मल नहीं हुआ था काम, अभी हो चुका है मुकम्मल इस साइड से भी और जो है इस साइड से भी तकरीबन आधी से ज़्यादा दीवार जो है वो उन्होंने मुकम्मल कर दी। आगे से जो है थोड़ी सी रह गई है तो ये अभी मुकम्मल करेंगे। लेकिन अभी मैं छत पे जाता हूँ और आपको मौसम दिखाता हूँ। मौसम बिल्कुल बारिश का हो चुका है और यही ख़तरा है कि यार बारिश ना हो जाए, तो इस वजह से ना अभी मैं चलता हूँ छत पर और वहाँ से वाजे होकर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का मौसम है। लेकिन फ़िलहाल जो है आप देख सकते हैं काम और चलते हैं छत पर। बल्कि मैं बैठ जाता हूँ ये सामने वाली छत पर, यहाँ से लेते हैं उसकी फ्रंट की फ़ोटो, ठीक है, और ताकि थंबनेल लगा सकें। थंबनेल के लिए एक अच्छी सी फ़ोटो ले लेते हैं, उसके बाद अपने वाली छत पर जाएंगे घर की छत पे और आपको मौसम मैं दिखाता हूँ किस तरह का मौसम है। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर, यह भी यहाँ पर भी जो है वो ये भी एक घर तैयार हो रहा है लेकिन अब इसका काम मुकम्मल नहीं हुआ ना हमारे वाले का हुआ, लेकिन हमने अभी काम आस्ता आस्ता करके शुरू करा रहे हैं। अभी चलते हैं ऊपर और वहाँ से ज़रा मैं ना आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ व्यू फ्रंट का। तो यार अभी मैं छत पे आ चुका हूँ और ये है जी व्यू सामने से फ्रंट का, देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अभी चलते हैं सामने, ठीक है, वो अभी मसाला बनाने लगे तो मसाला भी बनाते हुए आपको दिखाते हैं, बाकी काम भी दिखाते हैं। अभी चलते हैं यार अपनी वाली छत पे और वहाँ से मैं आपको ज़रा काम दिखाता हूँ और व्यू भी दिखाता हूँ क्योंकि मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। और अभी चलते हैं सीढ़ी चढ़ते हैं और आपको जो है वो फ्रंट दिखाते हैं, फ्रंट नहीं बल्कि ऊपर से काम दिखाते हैं कि कहाँ तक हमारा जो छत का काम है वो हो चुका है। तो गाइस यार काम हो चुका है और यहाँ पर यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक जो है वो दीवार मुकम्मल हो चुकी है। बाकी ये जो खुली जगह देख रहे हैं यहाँ पर अभी दीवार का काम शुरू नहीं हुआ, यहाँ से लेकर ये सारा वहाँ तक ये काम होना है। और यहाँ पर जो दीवार हमारी जो लगी हुई है फ़िलहाल ये जो खड़ी हुई है दीवार आपके सामने, ये दो दो रदे और ऊपर जाएगी, यानी दो दो ब्लॉक इसके ऊपर और आएँगे और ये थोड़ी सी और ऊँची हो जाएगी। बाकी काम तकरीबन हो गया था लेकिन कल की जो है जुमे और छुट्टी होगी और फिर परसों ही काम होगा। मौसम भी आप देख सकते हैं मैंने आपको दिखा दिया पहले, तो देखते हैं क्या सूरत हाल होगी क्योंकि पहले हमने ईंटों को पानी लगाना था लेकिन बारिश होगी तो फिर पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी। बाकी जो काम है ना वो मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा, जैसे ये वाली दीवार होगी कल परसों यानी कि जब हफ्ते वाले दिन यहाँ पर काम शुरू होगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी जहाँ से लेकर जहाँ तक काम होगा मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। अभी फ़िलहाल मैं इसी वालों को यहीं पर एंड करता हूँ, छत पर मौसम बड़ा प्यारा हुआ है। तो इसी के साथ आज की व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है जो आज का व्लॉग बना आपको पसंद आया होगा, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।